नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन सिंह और आज के इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे किचन में बर्तन धोने के लिए जो सिंक होता है तो उसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए। नीचे पी ट्रैप लगाना चाहिए, नैनी ट्रैप लगाना चाहिए, या फिर उसके लिए बॉटल ट्रैप यूज़ सही रहता है, या फिर वेस्ट पाइप उसके लिए सही रहती है, तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी है जो आप सभी को देना चाहता हूं। तो सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो लोग नया कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरत के हिसाब से फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए, जो भी सिंक होता है वो सिंगल बाउल या डबल बाउल सिंक होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंगल बाउल सिंक के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंगल बाउल का मतलब होता है एक ही, उसके अंदर कटोरे जैसा होता है जिसके अंदर हम बर्तन को साफ़ करते हैं। ये एक दीवार है, ये सिंक का कुछ मैंने ऐसे ही मेज़रमेंट करके बनाया हुआ है। सिंक जो है 18x18 का भी आता है, 24x24 का भी आता है और उससे लंबी लेंथ भी आती है। तो मैं यहाँ पे लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इसके नीचे जो कनेक्ट होने वाली पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत से प्लम्बर हैं जो नीचे जो है इसके नानी ट्रैप लगा देते हैं जो कि ड्रेनेज पाइपलाइन के साथ में लगता है, और किचन के सिंक के नीचे नानी ट्रैप लगा देने से एक उनको नुकसान ये होता है कि किचन के अंदर हम बर्तन धोते हैं, जब हमारे चाय पत्ती का भी उसमें पानी होता है, सब्जी का भी उसमें पानी होता है, उसमें ऑयल भी मिक्स होकर जाता है, या फिर कुछ ऐसा हम बर्तन साफ़ करते हैं जिसके अंदर चिकनाहट ज़्यादा होती है या फिर कुछ कचरा होता है, तो वो क्या करता है, नानी ट्रैप में जाके धीरे 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 जमना स्टार्ट हो जाता है। और नानी ट्रैप जो होता है उसमें निकलने के लिए जितना साइज़ का नानी ट्रैप होगा उस साइज़ से भी आधा, यानी 90 mm का अगर है तो 40 से 45 mm उसकी जो है पानी निकलने की इसमें जगह होती है। तो ये जगह ब्लॉक होती है तो ये रिटर्न में फ़्लो मारने लगता है, यानी ओवरफ्लो ये होने लगता है, तो हमारा फ्लोर जो है गंदा होने लगता है। तो मैं यहाँ पे कभी भी आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप नैनी ट्रैप लगवाएं, नैनी ट्रैप यहाँ पे ना लगवाएं। इसके अलावा आप यहाँ पे लगवाएं पी ट्रैप। ये देखिए, यहाँ पे आप पी ट्रैप लगवाइए। पी ट्रैप लगवाने के फ़ायदे बता देता हूँ। पहली बात तो 4 इंची का पाइप का पी ट्रैप आपको पूरा मिलेगा। यहाँ से 4 इंची डाया, यहाँ से होते फिर वापस 4 इंची डाया, यहाँ पे आपको 4 इंच का अगर है तो 2 इंच जगह मिलती थी नैनी ट्रैप में, लेकिन यहाँ पे आपको 4 इंच फुल जगह मिलेगी। और पानी जो है बैक में आपके बदबू कभी नहीं मारेगा क्योंकि पी ट्रैप के अंदर इतना लेवल जो है पानी का बना रहता है, पी ट्रैप में लेवल बनता है। यहाँ पे जो उसका हाइट वाला पाइप होता है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग पी ट्रैप में पानी होता है, तो ये एरिया पूरा पानी से भरा रहता है, तो इसमें से बैक स्मेल कभी नहीं मारता। दूसरी बात, इसको अगर आप इजीली कभी साफ़ करना चाहो तो एक स्प्रिंग के जरिए आप इस पी ट्रैप को है जो पूरा साफ़ भी कर सकते हैं, कभी भी ब्लॉकेज होता है तो उस दौरान। और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन किचन में पी ट्रैप लगा है वो किचन 99% कभी भी चौक नहीं हुए हैं मेरे किए हुए काम के दौरान। आप सभी से कहना चाहूँगा पी ट्रैप ज़रूर लगवाएं किचन के अंदर, क्योंकि इसमें ब्लॉक तब होता है जब इसका जगह जाने के लिए कम होता है, लेकिन इसमें पूरा जो है 4 इंची का जगह मिलता है तो इसमें पानी और कचरा सब निकल जाता है। हमेशा किचन में पाइपलाइन जो है 4 इंची की डलवाई। बहुत से लोग हैं जो 90 mm डालते हैं, वो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी थ्योरी नहीं है मेरे पास, कोई भी प्रैक्टिकल ऐसा है को जो मैं समझ के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो मैं किताबों से पढ़ के आता हूँ, वैसा कुछ नहीं बता रहा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, सीधी सी बात है, जिस कस्टमर को काम चाहिए उसका काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी ट्रैप सजेस्ट कर रहा हूँ, 4 इंची की पाइपलाइन सजेस्ट कर रहा हूँ। अब बहुत से लोग हैं जो ऐसा भी काम करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि 4 इंची की पाइपलाइन लाते हैं, उसके बाद रेड्यूसर लगाते हैं और फिर एक 50 mm का पाइप दीवार में छोड़ देते हैं, और जब सिंक लगता है तो उसके नीचे से ही 50 mm का उसमें जो है बॉटल ट्रैप लगा देते हैं। तो दोस्तों, एक बात सोचिए, जब 50 mm से पानी निकल जाता है तो क्यों हमने 4 इंची का पाइपलाइन लगाया। ये चीज़ जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका साइड में, वहाँ पे ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ पे सिंक में वो लोग कचरा नहीं डालते, वहाँ पे सिर्फ पानी और पानी ही डालते हैं। हमारे इंडिया में ये चीज़ कतई नहीं चलती है, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो कभी भी बर्तनों में से जूठे सब्जी निकाल सकती हैं, जूठी रोटी निकाल सकती हैं, लेकिन बर्तनों में से इतनी अच्छी की तरह से कचरा निकाल के क्लीन करने के लिए वॉश मशीन सिंक में कभी नहीं रखते। तो यहाँ पे जो दाल चावल जो है जो भी है जाएगा हमारे 50 mm के पाइप में अटक जाएगा, और वो सीधा टू सीधा इतनी सी बात समझिए ब्लॉकेज होगा। तो आपको कहाँ पे ब्लॉकेज होगा, वो होगा आपके यहाँ,
ये जो पीट रैप है, इस यहाँ पे बोटल रैप में जो पीट रैप बना हुआ रहता है, इस एरिया में ब्लॉकेज होगा, क्योंकि दाल चावल का पानी तो निकल जाएगा आगे, लेकिन दाल चावल जो है यहाँ पे रुक जाएगा। और चावल की एक सबसे बड़ी खासियत है, जितने दिन आप चावल को पानी में भिगो के रखेंगे तो चावल का एक ऐसा मांड बन जाता है, पत्थर जैसा, क्लिंकर जैसा, वो उस लाइन के अंदर साइज के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, जो भी लोग ये करते हैं प्लीज़ ऐसा ना करवाइए। वहाँ पे सिर्फ आप पी ट्रैप का यूज़ लें, और बॉटल ट्रैप सिंक में नीचे कभी ना लगवाए। सीधा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वेस्ट पाइप जो है वो लगवा लीजिए सीधा बॉटल पी ट्रैप के अंदर। ये पी ट्रैप है, इसके अंदर सीधा जो है आप ये वेस्ट पाइप लगा लीजिए, ताकि आपको आसानी रहेगी इस पाइप को क्लीन करने में। बदबू की बात जो है, वो पी ट्रैप यहाँ से बंद हो जाता है पानी से, तब यहाँ से बदबू भी नहीं आती है, और वेस्ट पाइप इसके नीचे रहता है, क्योंकि ये वैनिटी बनती है जब इसके नीचे इसको हम पैक कर देते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देता। तो इतना करेंगे तो शायद आपके किचन में अच्छी से अच्छी आपको सुविधा मिल पाएगी। तो मैं अर्जुन सिंह, आज के लिए आपको इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।